राजधानी दिल्ली में रेलवे ने 500 झुग्गियों पर चलवाया बुलडोजर। रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई, एक बच्चे की मौत। देर रात मौके पर पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, रेलवे की कार्रवाई का किया विरोध, कड़ी न होने पर जताई हैरानी। केजरीवाल ने सर्दी में रेलवे की कार्रवाई का किया विरोध, ट्वीट कर लिखा भगवान उन्हें कभी नहीं करेगा माफ। दिल्ली सरकार के डीएम और एक एसडीएम को किया सस्पेंड। यूपी के शाहजहांपुर में टूटा रफ्तार का कहर, रोडवेज बस ने बारातियों को रौंदा, हादसे में 4 लोगों की मौत, 12 से ज्यादा घायल। संसद में हुए हमले की आज 14वीं बरसी, हमले में शहीदों को आज संसद में दी जाएगी श्रद्धांजलि, 13 दिसंबर 2001 को हुआ था हमला। ब्रिटिश विशेषज्ञों ने ताशकंद समझौते के वक्त पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के साथ खड़े व्यक्ति को बताया सुभाष चंद्र बोस, नेताजी की मौत के 21 साल बाद की तस्वीर। चेहरा पहचानने और अनुमान लगाने वाली फेस मैपिंग का इस्तेमाल कर तस्वीर को सबूत के तौर पर किया गया पेश। शोधकर्ताओं ने पीएम मोदी से किया अनुरोध, कहा रूस दौरे के वक्त राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर नेताजी से जुड़े तथ्य उजागर करने का बनाए दबाव, अगले महीने पीएम जाएंगे रूस। गुजरात के राज्यपाल ओपी कोहली ने जम्मू कश्मीर की समस्या के लिए जवाहरलाल नेहरू की नीति को बताया जिम्मेदार, कहा महाराजा हरी सिंह की जगह शेख अब्दुल्ला को ज्यादा तरजीह देने से बिगड़ी बात। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह ने भी जवाहरलाल नेहरू की नीतियों पर उठाए सवाल, बोले उनकी निजी सोच से हुए नुकसान की अब तक नहीं हुई भरपाई। राहुल गांधी का बयान, नेशनल हेराल्ड और जीएसटी को एक साथ जोड़ना गलत, ट्वीट कर लिखा जीएसटी लाने वाली कांग्रेस, मोदी और अरुण जेटली थे इसके खिलाफ। राहुल का बयान, जीएसटी को लेकर 3 मुद्दों पर सरकार से विवाद, मांगे मांगनी गई तो कांग्रेस का मिलेगा समर्थन। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का ऐलान, नेशनल हेराल्ड मामले की जांच कराएगी हरियाणा सरकार। नेशनल हेराल्ड केस में बीजेपी का हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर बड़ा आरोप, सुभाष बराला के मुताबिक हुड्डा ने एजेएल को पंचकुला में आवंटित की 3,360 वर्ग मीटर का प्लॉट। आजम खान का जापान से हुए समझौते पर निशाना, कहा हमें इतनी भूख है कि और हमारा बादशाह विदेशों को रईस बनाने में लगा है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। तापी गैस पाइपलाइन परियोजना का आज तुर्कमेनिस्तान में की राजधानी अशकाबाट में उद्घाटन, भारत की तरफ से उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी होंगे समारोह में शामिल। तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान के रास्ते पाइपलाइन पहुंचेगी भारत, पाइपलाइन की लंबाई 1,680 किलोमीटर। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल दरबीर सिंह सुहाग ने पासिंग आउट परेड की गिली सलामी, सेना में 469 जेंटलमैन कैडेट बने जाबाज अफसर। बीजेपी सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी ने अवार्ड लौटाने वाले लेखकों का किया विरोध, कहा सस्ती लोकप्रियता के लिए की गई घटिया हरकत। पश्चिम बंगाल के 3 दिन के दौरे पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी कोलकाता चेंबर ऑफ कॉमर्स की 185वीं वर्षगांठ के आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल। जापान के पीएम शिंजो अबे ने मोदी संग वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर किया गंगा आरती का दीदार, साथ साथ बैठकर आरती का लिया आनंद। गंगा आरती के समय जापान के पीएम ने मोदी के साथ खिंचवाई सेल्फी, करीब 1.5 घंटे तक दोनों घाट पर मौजूद रहे, वैदिक मंत्रोच्चार के बीच दोनों प्रधानमंत्रियों ने किया गंगा का अभिषेक। दिल्ली में पीएम मोदी और जापान के पीएम शिंजो अबे के बीच द्विपक्षीय वार्ता है, 14 अहम समझौतों पर हुआ करार, जल्द दौड़ेगी मुंबई से अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन, जापान से हाई स्पीड ट्रेन पर हुआ करार। पीएम मोदी ने कहा भारत की आर्थिक तरक्की में जापान का है बड़ा योगदान, अगले साल 1 मार्च से जापानियों को मिलेगा वीजा ऑन अराइवल। जापान ने परमाणु परीक्षण ना करने की भारत को दी नसीहत, कहा परमाणु टेस्ट हुआ तो संबंधों में पड़ेगा असर। हुर्रियत पर पाक के रुख में कोई बदलाव नहीं, एजेंडा आज का कार्यक्रम में पाक उच्चायुक्त ने कहा हुर्रियत को लेकर हमारी नीति में कोई फेरबदल नहीं। अब्दुल बासित ने दाऊद के पाकिस्तान में होने से क्या इनकार, कहा दाऊद के पाकिस्तान में होने के सबूत हैं तो हमें दें, कहा हाफिज सईद के खिलाफ कोई सबूत नहीं। नेशनल हेराल्ड मामले में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोनिया राहुल पर साधा निशाना, एजेंडा आज तक में बोले खुद अपने चक्रव्यूह में फंसे दोनों। एजेंडा आज तक में कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कोर्ट की वजह से नहीं, कोर्ट के बाहर हो रही हरकतों की वजह से संसद में हो रहा हंगामा। एजेंडा आज तक कार्यक्रम में बोली वीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती, कहा सहिष्णुता भारत की सबसे बड़ी ताकत, बोली मजहब ने इस मुल्क को बहुत कुछ दिया, हिंदू धर्म का इसमें सबसे ज्यादा योगदान।
जलवायु परिवर्तन पर 195 देशों के बीच हुआ समझौता, कार्बन के इस्तेमाल पर कटौती पर सभी देश में बनी सहमति। 195 देश के बीच ग्रीन हाउस गैस और उनके स्रोत के बीच 2020 तक संतुलन बनाने पर भी बनी सहमति। वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस पर सीमित करने की कोशिश का सदस्यों ने सदस्य राष्ट्रों ने रखा लक्ष्य। 2020 तक कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए विकासशील देशों को हर साल 100 अरब डॉलर की दी जाएगी मदद। जलवायु परिवर्तन समझौते पर सभी देश अगले साल 22 अप्रैल को करेंगे औपचारिक हस्ताक्षर। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कर दी बैठक की जानकारी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह का दावा, आने वाले 3 सालों में राज्य में नक्सल समस्या होगी खत्म। प्रभावित जिलों में तेजी से कम हुआ नक्सली प्रभाव। दिन के दौरे पर असम पहुंचे राहुल ने की कीर्तन घर बारपेटा में पद यात्रा, मीडिया से भी हुए रूबरू। अगरतला नगर निगम पर लेफ्ट का कब्जा, सीपीएम की अगुवाई में लेफ्ट ने जीती सभी 13 सीटें। त्रिपुरा नगर पंचायत की 6 सीटें भी लेफ्ट के खाते में। भोपाल में मानवाधिकार और सुशासन पर वर्कशॉप का आयोजन, सीएम शिवराज सिंह चौहान से मिलकर मिला तेलंगाना सरकार का प्रतिनिधिमंडल। भरतपुर में सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्रों का प्रदर्शन, फॉर्म भरने की तिथि बढ़ाने और वेबसाइट में विश्वविद्यालय का नाम दर्ज कराने की मांग की। राजधानी दिल्ली में 7 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप, पार्क से बच्ची को उठाकर ले गए 4 आरोपी, 1 आरोपी गिरफ्तार, 3 की तलाश जारी। हैदराबाद में ऑटो ड्राइवर को जिंदा जलाने की दिल दहला देने वाली वारदात, पुलिस अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज कर रही है FIR। आगरा के सरोजनी नायडू अस्पताल में वार्ड बॉय के साथ मारपीट पर भड़का कर्मचारियों को गुस्सा, जूनियर डॉक्टरों पर लगा आरोप। ग्रेटर नोएडा पुलिस को बड़ी कामयाबी, लूट और डकैती की घटना को अंजाम देने वाले 5 अपराधी गिरफ्तार, 2 पिस्तौल समेत लूट का माल बरामद। बस्ती के राजमहल में मंदिर से अष्ट धातु की हनुमान जी की मूर्ति हुई चोरी, मंदिर की 3 में से 1 मूर्ति गायब, 1844 ईस्वी की हुई थी मूर्ति। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में वाइन शॉप में काम करने वाले एक शख्स की हत्या, पुलिस को आपसी रंजिश का शक। लुधियाना के फोकल पॉइंट इलाके में छत गिरने से 30 मजदूर घायल, 7 की हालत नाजुक, साइकिल रैक्शन में हुआ हादसा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में जमीन खिसकने से 3 मजदूरों की मौत, प्रशासन ने लापरवाही की जांच शुरू की। मुंबई के अंधेरी में एक गोडाउन में लगी आग, मशक्कत के बाद दमकल की गाड़ी ने बुझाई आग। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में घर में घुसा तेंदुआ, वन विभाग के कर्मचारियों के आने पर काबू में आया।